केवल खबरें और कुछ नहीं। जयनगर प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर की जयंती मनाई गई। प्रखंड के साथ स्थित अम्बेडकर भवन में बाबा साहेब की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य पवन सिंह ने कहा, आज देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर की कायल है। वे मानव सेवा में सच्चा विश्वास करते थे। उन्होंने कहा, बाबा साहेब संपूर्ण मानव के विकास के लिए ही काम करते थे और वही उनका धर्म था। उन्होंने कहा, आज लोग अगर जात पात से ऊपर उठकर बाबा साहेब की स्मृति को अपने दिल में बसाकर मानव के लिए कार्य करे, तभी बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है। पंचायत समिति सदस्य रामदेव राम ने कहा, आम्बेडकर एक विचारधारा थे, वो कोई राजनीतिक मंच नहीं थे। उनका सपना था भारत में कोई जाति ना हो। वो चाहते थे भारत में जाति विहीन समाज का निर्माण हो, परंतु आज उनकी विचारधारा को कोई केसरिया तो कोई नीले रंग में रंग रहा है। उन्होंने कहा, वो सिर्फ दलितों के मसीहा नहीं थे बल्कि पूरे भारतवर्ष के मसीहा थे। हमें उनके विचारधारा को अपनाना चाहिए, बेहतर और समांतर समाज की कल्पना की जा सकती है। इस अवसर पर धानेश्वर राम, शिवपूजन राम, राम कुमार, सुनील कुमार, सामंत कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। अम्बेडकर जयंती मनाया जा रहा है, बाबा साहब के बारे में आपका क्या कहना है? आप जानते हैं कि बाबा अम्बेडकर युवाओं के आदर्श हैं और हमारे भी आदर्श हैं। इनका जन्म 1891 में हुई थी और ये मध्य प्रदेश राज्य से आते हैं और ये युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, जो आज तक इस पूरे हिंदुस्तान में जो विधि व्यवस्था कानून व्यवस्था चल रहा है, इनका ये लेखक भी रहे हैं। और इनके बारे में आप जानते ही हैं कि पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व इनको मानता है और पूरे विश्व भर में इनका 14 अप्रैल को जयंती के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे देश का ही नहीं विश्व के नेता थे। ये इन्होंने एक ही नारा दिए जो सर्वविदित है, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। इन्होंने जो ये नारा दिया है सर्वविदित है, सिर्फ भारत के लिए नहीं, ये विश्व के लिए सर्वविदित है। पहले शिक्षित हो, संगठित हो, तब किसी भी कार्य को संघर्ष करें तो आप सफल हो जाएंगे। इनका नारा सर्वविदित है और इन्होंने अपने आंतरिक इच्छा से इन्होंने हमेशा चाहे कि भारत में एक समाजवाद का विकास हो और आज दिख रहा है इनका इनके संविधान का लिखा हुआ संविधान के अनुकूल आज 72-75 साल के बाद भी और समाजवाद भारत में आ रहा है और हो भी रहा है। इन्होंने समाजवाद पर बहुत जोर दिए और समाजवाद भारत में आज के तत्काल के समय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी समाजवाद आ रहा है। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।